नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाजार के पंडित में। तो दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे कि आपको कंटिन्यूअसली 7 डेज से बता दिया गया था कि कुछ ऐसी अपडेट आने वाली है जिसके कारण अमेरिका में स्लो डाउन और मंदी जैसी कोई बात होगी और उस पर स्टॉक मार्केट बड़ा रिएक्शन देगा। क्या करेगा? बड़ा रिएक्शन देगा। और ऐसा ही कुछ हुआ और आपका जो 25,000 का निफ्टी का लेवल था वो भी टूट गया। आप देख सकते हो 25,000 का लेवल टोटली देखेगा डिस्ट्रॉय हुआ। 300 पॉइंट के गिरावट के साथ निफ्टी फ्राइडे को क्लोज हुआ है और निफ्टी बैंक तो देखिएगा 900 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ है। तो काफ़ी अच्छा देखिएगा, आपको एक मार्केट को डायरेक्शन मिला। मार्केट में जो ये बिल्कुल पूरी तरीके से चल रहा था कंसोलिडेशन वो ख़त्म हुआ और जो प्रीमियम मेल्ट हो रहे थे वो ख़त्म हुए। 10 रुपये के प्रीमियम 200-200 चले गए, आपने देखा होगा। लेकिन अब बात करते हैं कल क्या होने वाला है, कल ओपनिंग कैसे होने वाली है। तो मैं आपको 4 से 5 ऐसे फैक्ट बताऊँगा जो बताएगा कि ओपनिंग तो निगेटिव होने वाली है, देन आफ्टर दैट किस तरीके का मूड और माहौल देखने को मिल सकता है वो भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे 6 तारीख को था फ्राइडे और 7 तारीख को था सैटरडे। गिफ्ट निफ्टी 21 घंटे खुलता है तो गिफ्ट निफ्टी सैटरडे को 2 बजे जब क्लोज हुआ है तो 153 माइनस पॉइंट और गिर गया। मतलब जो आपकी क्लोजिंग हुई है वहाँ से भी गिफ्ट निफ्टी नीचे गिर गया और 153 माइनस पॉइंट पर क्लोज हुआ है। 24,770 के आसपास देखने को मिल रहा है जबकि आपका निफ्टी 24,850 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो अब गिफ्ट निफ्टी क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो करंट लेवल है जो जहां पे गिफ्ट निफ्टी ने क्लोजिंग दी है तो अगर इन्हीं लेवल के हिसाब से गिफ्ट निफ्टी खुलता है तो वो बता रहा है कि निफ्टी अराउंड 100-150 पॉइंट के बीच में निगेटिव ओपन हो सकता है। ये पहला फैक्टर है जो बता रहा है एग्जैक्टली कि आपका निफ्टी ऊपर नीचे खुल सकता है। तो आगे बढ़ेंगे, सेकंड फैक्टर बताएंगे। सेकंड फैक्टर अगर आप देखेंगे तो अमेरिका में एक डेटा आया था फ्राइडे नाइट को। नाइट को डेटा आने के बाद डोजोन्स में जो भी फ्लैटनेस थी, जो भी लिटिल बिट गेन्स थे वो टोटली डिस्ट्रॉय हो गए। और अगर आप देखेंगे 410 पॉइंट यहाँ पे पूरी तरीके से फॉल आया है 1% का। अगर आप देखेंगे ओपन होने के बाद यहाँ पे हाई बनाया था डोजोन्स ने और देन आफ्टर दैट ये लो बनाया है। आप देख सकते हो ये लो आपको देखने को मिला है। तो ऐसा अगर हुआ है तो इसका मतलब डेटा ऐसा आया होगा जिस कारण से अमेरिका का स्टॉक मार्केट टोटली नीचे चला गया। ये सेकंड बड़ा फैक्टर है जिसके कारण ये बताया जा रहा है कि आपका जो मार्केट है कल रेड खुलेगा। अब आगे बात करते हैं थर्ड पॉइंट। अगर आप देखेंगे तो आईटी के स्टॉक्स में काफ़ी बड़ी गिरावट है। आईटी के स्टॉक्स का सबसे बड़ा इंडेक्स है नैसडैक। तो नैसडैक में देखते हैं कितनी गिरावट आई है। तो नैसडैक में आप देख सकते हैं 2.5% टूट गया है। टोटली विद इन वन डे 2.5% एक इंडेक्स गिर रहा है जो कि टॉप टेक स्टॉक्स का इंडेक्स है। तो आप देख सकते हैं कि आईटी स्टॉक्स भी कल सपोर्ट नहीं करेंगे। जो निफ्टी 50 में अगर आप देखेंगे सेकेंड नंबर पे वेटेज रखते हैं, आप जाके चेक कर सकते हो। और यहाँ पे भी बिग फॉल आया है। ओपन के बाद देखिएगा ये हाई बना और लो देखिए कहाँ पे बन रहा है, लो कहाँ पे बना आप देख सकते हो। तो एक पूरा क्लियरिटी के साथ नीचे मार्केट गया है। जो नैसडैक है वो क्लियरिटी के साथ, तो ग्लोबल सेंटिमेंट टोटली निगेटिव है। अब टोटली निगेटिव क्यों है ये भी जानना ज़रूरी है। एनवीडिया का स्टॉक पिछले 5 दिनों में 13 से 14% टूट चुका है जो कि स्टॉक मार्केट के लिए बड़ी बात है। ग्लोबल जाइंट है, चिप सेमीकंडक्टर और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, एक तरीके का वहाँ का इन्फोसिस आप कह सकते हो। बड़ा स्टॉक है, बड़ी वैल्यू है और आपको पता है कि अगर इस तरीके से क्रैश होगा तो इसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पर पड़ेगा। तो ग्लोबल लेवल पर अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल लेवल पर ये सेकेंड बड़ा इम्पैक्ट है। रिलायंस का GDR अगर आप देखेंगे तो 2% तक टूटा है, ये भी एक बड़ा फैक्टर है। 2% तक रिलायंस का GDR टूटा है, निफ्टी में वेटेज सेकंड नंबर पर है, इस कारण भी स्टॉक मार्केट नीचे जा सकता है। फिर अगर आप बात करेंगे यूरोपियन मार्केट तो ये भी काफ़ी ज़्यादा फॉल डाउन हुए हैं। टोटली आप देख सकते हो ये भी काफ़ी ज़्यादा फॉल डाउन हुए हैं। जितने भी कॉमोडिटी हैं आपके सामने सब
सिल्वर, कॉपर, क्रूड सब देखिएगा डाउन हो चुके हैं। तो दीज आर द फैक्टर जिसके कारण आप निगेटिव खुलोगे, चाहे आप देख सकते हो एक एक करके पूरी तरीके से, ये ऐसे फैक्टर हैं जो क्लियरिटी दे रहे हैं। तो आपके हिसाब से जो सपोर्ट होगा वो 50,280 का होगा, किसमें, निफ्टी बैंक में। और अगर ये टूटता है तो 50,100 बनेगा नया सपोर्ट। तो ये पर्टिकुलर लेवल है जहाँ पे थोड़ा बहुत मार्केट संभल कर शॉर्ट कवरिंग दे सकता है, पर बट पहले 10-15 मिनट में, उसके बाद क्लैरिटी अपडेट पर होगी कि कितना ज़्यादा देखिएगा पॉजिटिव फैक्टर बन रहा है मार्केट में। निफ्टी 50 की बात करेंगे तो 24 देखिएगा 680 यहाँ पे एक सपोर्ट है, इसके अराउंड अगर मार्केट आता है तो एक शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जो भी शॉर्ट कवरिंग आएगी इन पर्टिकुलर सपोर्ट पे, वही आपका दिन का स्कैल्पिंग पॉइंट होगा जहाँ पे आप स्कैल्प कर सकते हो। तो बी फोकस, राम राम।